In this question, we want to determine the values of x for which square root of x minus 2 upon 1 minus 2x is greater than minus 1. Now, let's see. हमें सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट बात पता है, वो क्या कि जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. इट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस टू अपॉन वन माइनस टू एक्स. तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. अब अगर हमें पता है हम किसी पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और कोई सा भी पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है, या क्या होता है, ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर. एनी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर. तो इट मींस अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि जो हमारा x माइनस टू अपॉन वन माइनस टू एक्स है ये ग्रेटर देन जीरो, तो ये स्क्वायर रूट भी डिफाइन हो जाएगा और ये तो उस केस में ऑलवेज ट्रू हो जाएगा कि बिकॉज एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर. तो बस हमें करना क्या है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो अब यहाँ से क्या जाएगा, एक्स माइनस टू. अब माइनस से अगर मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या जाएगा, यहाँ से टू एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो. तो हमारे पास में यहाँ से क्या है, दो एक्स की वैल्यूज आएंगी, एक आएगा एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू और एक आएगा एक्स इज इक्वल टू टू. तो वन बाय टू और टू, बट एक्स की वैल्यू वन बाय टू नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू टू पॉसिबल है, ये हम इंक्लूड करेंगे. तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 1 बाय 2 टू 2. सो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो आएगा x बिलोंग्स टू 1 बाय 2 टू 2 और 2 इंक्लूड होगा और 1 बाय 2 इंक्लूड नहीं होगा. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.